खंडवा भी अजब गजब है। यहाँ दूध की केन में तो कभी नदी किनारे जंगलों से अवैध शराब बरामद होती रही है, और तो और यहाँ की जमीन भी शराब उगलती है। जमीन के नीचे से शराब की पोटली, मसाला शराब, तो कभी प्लेन शराब का जखीरा बरामद होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ अवैध शराब का धंधा करने वाले शातिर दिमाग है। लेकिन जनाब, जिले का आबकारी अमला भी किसी से कम नहीं है, जो सात तालों के पीछे रखी अवैध शराब को खोज ही लेता है और फिर शराब बरामद कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। चलिए ताजे मामले की बात करें। आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए 45,000 रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की। चलिए यह भी जान लीजिए कि इस कैसे और कहां कहां छुपा कर रखा था। शहर के शुक्ला नगर निवासी आशुतोष पिता ओम प्रकाश पांडे के रिहायशी घर से दूध की केन तथा घर के अंदर गड्ढा कर छिपा कर रखी गई प्लास्टिक पाउच पन्नी में 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर आरोपी आशुतोष पिता ओम प्रकाश पांडे को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कंजर मोहल्ला निवासी मीना पति पूनम के कब्जे से 16 पाव देशी मदिरा प्लेन के जब्त किए गए। इसी प्रकार कंजर मोहल्ला में ही एक जीर्ण शीर्ण खंडहर नुमा मकान के अंदर बने सेप्टिक टैंक, जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, के अंदर से देशी मदिरा प्लेन तथा मसाला के पाव इंट के साथ प्लास्टिक बोरियों में भरकर छुपाकर रखे थे। पानी के अंदर डूबी हुई उक्त बोरियों में देशी मदिरा प्लेन के कुल 102 पाव तथा मसाला के 110 पाव जब्त किए गए। कंजर मोहल्ला में ही रोड किनारे अन्य स्थान से जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छिपाकर रखी देशी मदिरा मसाला के 50 पाव तथा प्लेन के 50 पाव गड्ढे के अंदर से खोदकर निकाले गए। उक्त समस्त देशी मदिरा एसोसिएट डिस्टिलरी खरगोन की निर्मित पाई गई। कंजर मोहल्ला में ही एक अन्य लावारिस स्थान से 8 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। तत्पश्चात ग्राम जसवाड़ी में नदी किनारे 250 किलोग्राम महुआ लाहन लावारिस स्थिति में जब्त की गई। जब्त महुआ लाहन का सैंपल लिया जाकर मौके पर नष्ट किया गया। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी मुकेश रंदा, आरएस तोमर, आबकारी उप निरीक्षक दीपक रोकड़े, शेर सिंह मोरे, आबकारी मुख्य आरक्षक तेर सिंह सोलंकी, आबकारी आरक्षक प्रेमलाल, संगीता, राजू डुब्बे आदि का सराहनीय योगदान रहा। अनंत माहेश्वरी की रिपोर्ट।